रहमतुल्लाह है बारा ताकहू। मैं हूँ फातेह अहमद फातेह इन किचन यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपके ऊपर हर आने वाली मुश्किलात और परेशानियाँ से दूर रखे और अपने ख़ास फजल आप पर अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, इसी दुआ से हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमारी रेसिपी है आज की बहुत शानदार और ज़बरदस्त वाइट शाही मुर्ग मसाला। वाइट शाही मुर्ग मसाला में हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। शाही इसलिए इसको कह रहे हैं, इसमें हमने खशखाश, बादाम और काजू को पीस कर इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो यही चीज़ें इसको शाही कहलाएंगी। वाइट शाही मुर्गी के लिए एक अदद हमने मुर्गी लिया, उसको हमने पीस कर लिए, धोकर अच्छी तरह साफ कर लिया है। 3 अदद प्याज दरमियाने, क्योंकि मेरे पास प्याजों का साइज़ था वो छोटा था। अगर आपके पास 2 हैं तो आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हमने ग्राइंड कर लिया है। अदरक लहसुन का हमने पेस्ट बना के रख लिया हुआ है। खड़ा मसाले में हम शामिल करेंगे काली मिर्च, 3 अदद काली बड़ी इलायची, थोड़ा 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच सूखा धनिया। इन तीनों को हम गर्म करके ग्राइंड करके इस तरह ये मसाला बना लेंगे। मसाले के बाद हम चलेंगे नमक इस्तेमाल करेंगे। नमक के बाद हम इसमें दही डालेंगे। दही के बाद हम खशखाश और बादाम और काजू को पीस के इस तरह पेस्ट बना लेंगे। सबसे पहले हम इनको बनाने के लिए हम कढ़ाई में जाएंगे। कढ़ाई में हम आयल डालेंगे। आयल डाल के आयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा आयल गर्म होगा तो 2 अदद तेज़पत्ता डालेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। सबसे पहले देखिए हमारा आयल गर्म हो गया। अब इसमें हम प्याज शामिल कर रहे हैं। प्याज को हम आयल में भूनेंगे कि ताकि थोड़ा हल्का लाइट ब्राउन हो जाए। प्यारे दोस्तों, देखे जैसे हमारा ये प्याज बिल्कुल तैयार हो गया, जितना हमें जिस हालत में चाहिए था उसमें तैयार है। अब इसमें हम चिकन इस्तेमाल कर शामिल करेंगे। अब इसमें चिकन को भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम प्याज को, और अच्छी तरह भुनेंगे ताकि चिकन का पानी खुश हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा नमक इस्तेमाल डाल के इसको थोड़ा सा भून के इसको ढाँप देंगे ताकि मुर्गी अपना पानी छोड़ दे। थोड़ी देर तक हम इसको ढाँप के रखेंगे नमक मिक्स करके। हाँ दोस्तों, अब इसको हम देखते हैं कि चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब देखें कि चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको हम इसलिए बार बार हम दम दे रहे हैं ताकि, क्योंकि हम देसी मुर्गी इस्तेमाल कर रहे हैं, देसी मुर्गी की ज़रा देर से गलती है। अगर हम ब्रॉयलर चिकन इस्तेमाल करें तो उसमें दम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं आज जो शाही मुर्ग वाइट शाही मुर्ग में देसी मुर्गी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए फिर दम देंगे। जैसे ही हमारा ये देखें अदरक का पेस्ट मसाला मिक्स हो गया, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए फिर दम देंगे 2 मिनट के लिए, और फायर हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अब इसको हम दोबारा देखते हैं। आप देखेंगे कि बिल्कुल अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छी तरह मिक्स हो गया है। मुर्गी अपना पानी बिल्कुल छोड़ दिया उसने।
ब्यूटीफुल कलर आ रहा है, जिस तरह हमें व्हाइट कलर चाहिए था उसी तरह बिल्कुल व्हाइट कलर आ रहा है। अभी इतनी खुशबू प्यारी आ रही है कि दिल करता है अभी खा लें। अभी से हमने अब इसको हम दोबारा ढांपते हैं। दोस्तों अब हम इसको देखते हैं, हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा प्यारा कलर आ रहा है, अच्छी तरह अदरक लहसुन का पेस्ट भी ने भी बनाई हो गई है। अब इसमें एक बादीबान का फूल डालेंगे, पीस के इसलिए नहीं डालना कि हमें वाइट चिकन कढ़ाई बनानी है, वाइट चिकन कढ़ाई के लिए इसमें साबुत डालेंगे ताकि इसका वाइट कलर ही रहे, कलर चेंज ना हो। अब अच्छी तरह भून एक दो मिनट के लिए और भुनेंगे, फिर इसमें हम दही शामिल करेंगे। दोस्तों ये देखें कितनी प्यारी कढ़ाई बनी, कितना प्यारा लुक आ रहा है, अभी से इतनी इसमें इतनी खुशबुएँ आ रही हैं। जब भी हमने वाइट चीज़ को इस्तेमाल करनी है तो हम इसको चूल्हा को बंद करके इस्तेमाल करेंगे डालेंगे। क्या अभी मैं अपने चूल्हे को बंद करता हूँ तो इसमें अब हम दही शामिल करेंगे। अब चूल्हा में काम करके इसको भूनूंगा थोड़ा सा। माशाल्लाह कितना दही के साथ कलर आ रहा है। अब इसमें दो मिनट के लिए इसको भूनूंगा दही में। ये दही का थोड़ा सा पानी हाँ। दोस्तों अब हम इसको चिकन को देखते हैं, चिकन के साथ तैयार हो गया। दोस्तों देखो ये चिकन माशाल्लाह कितना प्यारा तैयार हो चुका है, चिकन हमारा पूरा तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे खसखास, बादाम और काजू का जो हमें पेस्ट है उसमें पानी डाल के थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे ताकि इसकी में बनाई अच्छी तरह जैसे हो जाए। अब इन थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें खसखास और पिस्ता खसखास और बादाम और काजू का जो पानी हमने पेस्ट बनाया था उसमें थोड़ा सा डाला। अब इसमें सूखा धनिया, ब्लैक काली मिर्च और जीरे को जो हमने पीसा था उसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे। खड़ा मसाला जो पीसा था उसमें डाल के मुर्गी को अच्छी तरह भूने हैं। आग हम स्लो करेंगे, फायर स्लो करके बनेंगे। अब फिर हम इसमें से थोड़ा सा पानी डालेंगे, खसखास बादाम और काजू का पानी। फिर हमें इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और जी इसको इतना शामिल करना जितना आपने ग्रेवी रखनी है मुनासिब समझे। ये असल में ये आप सफ़ेद मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास सफ़ेद मिर्च नहीं थी, मैंने ब्लैक पेपर इस्तेमाल किया। अगर आपके पास वाइट सफ़ेद मिर्च हो तो आप सफ़ेद मिर्च के साथ भी बना सकते हैं। फिर मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करूँगा सूखा धनिया, काली मिर्च ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा माई चिकन शाही वाइट मोड तैयार हो रहा है। कितनी प्यारी लुक आई है, दिल करता है कि इतनी खुशबुएं आ रही हैं, दिल करता है कि अभी इसको खा लें सारा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा चैनल चलेगा। तो ये सब्सक्राइब करेंगे तो हमें आपकी तरफ से एक गिफ्ट इनाम होता है। बाकी का मसाला जो रह गया था वो भी इसमें शामिल कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो
वाइट शाही मुर्ग मसाला है, चिकन मसाला बिल्कुल तैयारी के मरले में, बिल्कुल फाइनल टच है इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा लुक, कितनी प्यारी खुशबू है, अभी से आनी शुरू हो गई हैं कि हम अब हम इसको एक मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। हाँ बिल्कुल, हमारा देखेंगे हम देखें, दो मिनट में हमारी लगाएंगे शाही देसी मुर्गा चिकन कढ़ाई की, फाइनल लुक आ चुका है, बहुत अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी प्यारी कढ़ाई मिली है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी खुशबुएं आ रही हैं, दिल करता है कि अभी इसको सारी खा लें। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, कितनी अच्छी ग्रेवी, ये देखें दोस्तों कितना अच्छा प्यारा गोश्त गल चुका है। ये हमारी देसी मुर्गी है, तो इसमें आप देखें गोश्त किस तरह प्यारा गला हुआ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, उस तक अगली रेसिपी तक लिए दोबारा अगली रेसिपी के लिए हम दोबारा हाजिर होंगे नई रेसिपी के साथ।